पास बंदा चला जाए और उसे जूता बना दे तो लोग कहेंगे कि इसने गलती की। असल में जूते तो बिल्कुल कहने पड़ते हैं उसको। मैंने 4-5 सेक्रेटरियों को अपने सर्विस के दौरान भी इस तरह किया था और इस दफ़ा तो डायरेक्टर एंड एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन के पीके को भी चंद दिनों में कबाड़ बना देता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह खुश रखे और इसको हिदायत करे इस पागल को। किस पागल को? इमरान खान। क्या किया उसने? इसने उल्टा सिस्टम चलाया है। इकोनॉमिक्स में फार्मूला है बेसिक रूल्स। जब आपको वो खुश करना चाहते हो तो इसकी परचेजिंग पावर ज्यादा करो और परचेजिंग पावर भी उसकी आमदनी बढ़ाओ। इसने गरीब को इतना जलील किया के पीछे धकेल दिया। गरीब को रोटी नहीं मिलती और ये बेवकूफ कह रहा है कि मैं इस तरह करता हूँ। अगर ये इसने इलेक्शन में अगर हमारे हल्के में इंतखाब करता है तो कसम से कहता हूँ मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, अगर मैंने नहीं हार दिया तो मेरा खून बस मुझे बिल्कुल पेशानी पे कलाशनकोव से कोई बंदा मारे। और ये बिल्कुल जाहिल है, जाहिल अनपढ़ है। कह रहे हैं कि मैं फ्लाई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रह गए हूँ। वो यूनिवर्सिटी है तो यार खुद चलती है, डेवलप कंट्रीज है, 1000 साल हो गए किसी मुल्क की, किसी के 600 साल हो गए। पाकिस्तान में तो अभी कुछ 70 साल पूरे हो गए मेरे ख्याल में या 60 साल आज़ादी के। पहले तो हम हिंदों के साथ इधर और उधर इधर और उधर। अब यहाँ पर अफगानिस्तान में अमेरिका ने हमारे लिए तमाशा बनाया हुआ है। पहले मैंने स्पीच किया था अमेरिका को रात को 2 बजे। मैंने कहा था अमेरिका सुन ले, हम पश्तूनों को जलील मत करो, आपने बहुत खून बहलाया, लेकिन अगर आप बहलाना चाहते हो तो यकम मई पे मैं मजदूर डे मनाता हूँ तो तरखेम में, और इसमें 7 अरब 7 ट्रिलियन मिसाइल चलाऊंगा। तो वो 7 बिलियन का आपको पता है, ट्रिलियन का आपको पता है। तो इसी वजह से आज हम इसके दस्ते रास से आजाद हो गए। अमेरिका ने मुझे खुद फोन किया था, उसके एम्बेसडर ने, कि आप जो भी चाहते हैं हम वही करेंगे। ठीक है, वसलाम इमरान खान, खताई न करो मजीद। अजमल खताई विनी जेट पोस्ट ऑफिस खैर जिला की बर्बाद।